हेलो एवरीवन, ये पेशेंट है मेरे पास जॉ जॉइंट पेन के लिए आए थे। इनका कहना है कि इनका जॉ का जॉइंट पेन कर रहा है, अभी काफ़ी दिन से पेन कर रहा है और जॉ का जॉइंट भी नहीं पेन कर रहा है। उनका पेन रेफर हो रहा है उनके नेक मसल में, यहाँ पे दर्द है आपको जी, और वो दर्द रेफर हो रहा है उसके टेम्पोरल एरिया यानी पीछे के एरिया तक। और काफ़ी दिन से वो परेशान है इस पेन से, काफ़ी दिन से वो ढूंढ रहे थे किसके पास जाए, कौन राइट डॉक्टर रहेगा, सही डॉक्टर रहेगा जिनसे ट्रीटमेंट करवाए। और काफ़ी सर्च के बाद उनको वो हंड्रेड स्माइल में आए हो। जब हमको क्लिनिकली चेक किया तो हमको महसूस हुआ कि उनका पूरा जॉ का मसल्स काफ़ी स्टिफ है, लॉट ऑफ स्टिफनेस, और जब मैं उनको प्रेस करता हूँ तो उनको काफ़ी दर्द है इस एरिया में और वो दर्द नीचे की तरफ जा रहा है पूरा दर्द। और जब उनके मैं दांत चेक करता तो मैंने देखा कि उनके दांत पूरे घिसे हुए हैं, नीचे और ऊपर के दांत दोनों घिसे हुए हैं और उनके बाइट में प्रॉब्लम है। एंड व्हेन आई सी दैट, मैं जब पेशेंट को बोलता हूँ कि आप प्रॉपरली क्लोज करो, बंद करो, अभी जो बंद कर रहे हो आगे की तरफ बंद कर रहे हैं, जो एक्चुअली उनका ओरिजिनल बाइट नहीं है पर एक आदत के कारण वो आगे बंद कर रहे हैं, और दैट बिकॉज ऑफ दैट उनके दांत डैमेज हो रहे हैं। बट जब मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ओरिजिनल बाइट में चले जाए, दूध रखो और क्लोज करो, तो उनके दांत पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी एक्चुअली वो बंद कर रहे हैं यहाँ पे बट एक्चुअली उनका ओरिजिनल बाइट पीछे है। तो इस बाइट पे हमने पेशेंट का, इस पोजीशन पे हमने पेशेंट का एक बाइट लिया है वैक्स से। आप बंद करो, अगर आप देखोगे पेशेंट ने पीछे की तरफ बंद किया है जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है। इस वैक्स बाइट पे हम पेशेंट का स्प्रिंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं TMJ स्टेबलाइजिंग स्प्रिंट, जिसका काम है कि जॉ के मसल्स को रिलैक्स करो, यहाँ पे जो स्टिफनेस बना हुआ है स्टिफनेस को कम करो, जो मसल में एसिड बना हुआ है इसके कारण पेन हो रहा है वो एसिड कम करो और पेशेंट का आ करो। इट गिव्स अ रिलैक्सेशन टू पेशेंट्स जॉ जॉइंट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट आपके बाइट में इशू है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी TMJ पेन जिसमें पेशेंट के मसल इन्फ्लेम्ड है, जॉ मसल इन्फ्लेम्ड है, तो होता है TMJ स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट, जिससे मालूम पड़ता है कि सच में पेन है बिकॉज ऑफ अ जॉ मसल्स। और जैसे हम जॉ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, पेशेंट का जॉइंट का पेन चला जाता है और पेशेंट फील्स मच बेटर। एंड उसके बाद हम पेशेंट का ऑर्थोडॉन्ट ट्रीटमेंट करते हैं या फिर पेशेंट के बाइट को एडजस्ट करें ताकि ये प्रॉब्लम परमानेंटली क्लियर हो जाए। सो दिस इज नॉर्मल स्टेप ऑफ वर्किंग ऑन पेशेंट। सो टुडे इज अ डे वेयर जहाँ पे हमने पेशेंट का बाइट लिया है हमने, और इस बाइट का हम इस बाइट के साथ पेशेंट का हम एक स्प्लिंट बनाएंगे जिसको हम लैब में भेजेंगे। लैब से स्प्लिंट बन के आएगा और स्प्रिंट पेशेंट पहने का मिनिमम पेशेंट वेयर फॉर 3 to 6 months। वंस इन अ मंथ पेशेंट आके दिखा था, जिस स्प्रिंट में हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं और जिससे पूरा पेशेंट का पेन चला जाए, देन हम सेकंड स्टेप के लिए जाते हैं जिसको हम आइदर ब्रेसेस से करते हैं या फिर थोड़ा ऑपरेशनल एडजस्टमेंट करते हैं। सो दैट्स द वे ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉब्लम। सो लेट्स होप दैट दिस वर्क्स आउट समवे। ठीक है, थैंक यू सो मच।